तो फाइनली मैं भी स्लाइड खा रही हूँ। मजा आया। तो ये रही मैं, यार मैं नजर क्यों नहीं आ रही, इतनी खूबसूरत औरत हूँ। इसने मुझे बबल गम खिला खिला के बस देखे, फिर से पुतला आ गया। हमारी जिंदगी में पुतले बहुत हैं, एक पुतला सिकंदर, हमें बहुत पसंद है। ये महंगे कपड़े हैं सारे जो बाजियां पहनती हैं, हम ऐसे कपड़े ख्वाबों में पहन सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साजदा बेबी व्लॉग्स। तो मेरे पीछे मेरा बेटा है। बेटे तुम कहाँ गए? ये है मेरा बेटा। और हम कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको वहीं चल के पता चलेगा। हम बाहर जा रहे थे तो सोचा के ब्लॉग भी स्टार्ट कर लें। हाइपर जा रहा है, हाइपर हाइपर स्टार जा रहे हैं डोलमिन मॉल, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि थोड़ा घूमने फिरने से भी इंसान फ्रेश हो जाता है। तो असद की तबीयत भी सही नहीं, तो असद ने कहा कि मुझे कहीं ले जाओ। तो इतने दिनों के बाद हम लेके जा रहे हैं असद को भी बाहर, तो मैं आपके साथ वहाँ मिलूंगी। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड डोंट स्किप माय ब्लॉग। तो फाइनली हम डोलमिन मॉल पहुँच गए और सिकंदर कह रहा था कि जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाओ, मुझे फिर वापस आना है, क्योंकि सिकंदर अंदर नहीं आना चाहता था। तो मैं आपको अकेले शेयर कराऊंगी डोलमिन मॉल की, शर्त यह है कि वो लोग मुझे वीडियो बनाने दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाने बड़े मॉल्स में जाती हूँ वो लोग कहते हैं अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। हालांकि मैं यूट्यूब पे देखती हूँ काफ़ी लोग बनाते हैं। तो ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है, और देखते हैं कि क्या चीज़ें नहीं आई हैं शॉपिंग में। और अभी ये देखें मैं बाइक पर बैठी हूँ और कितना ब्लशान लगाया है मैंने, भर भर के ब्लशान लगाया है, क्योंकि ब्लशान मुझे बहुत पसंद है। और ये मैंने मास्क भी पहना है क्योंकि धूप बहुत ही, और फाइनली इस ख़तरनाक मरहले में हम चढ़ चुके हैं जिससे मुझे बहुत डर लगता है। असद को नहीं लगता, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं भी चढ़ गई और हम ऊपर जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, हमारी मंजिल है, क्योंकि असद वहाँ खेलता है सेकंड फ्लोर पे फनलैंड पे। तो असद जा रहा है अपनी मंजिल के रवा दवा। और यहाँ पर मैंने मेकअप का ये देखा, ये मैं यहाँ रुक गई पर बस देखने के लिए ही हम लोग आए थे, क्योंकि यहाँ से लेना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे ज्वेलरी भी पड़ी थी, ये देखे वाह, मुझे ज्वेलरी में इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, बस देखने की हद तक है। तो ये भाई साहब बेच रहे थे तो अच्छी ज्वेलरी थी। उसके बाद कपड़ों की दुकानें आ गई, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी ज्वेलरी थी। तो ये देखें, ये तो भाई इतने महंगे थे जितने हम पूरे महीने का राशन लेते हैं, इतने ये कपड़े थे। और ये पुतले पता नहीं क्यों हमसे भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, इनकी किस्मत है भाई। ये देखो कैसे स्टाइल मार रहे हैं पुतले, हम इंसानों से ज़्यादा स्टाइल इन पुतलों ने मारा हुआ है। अंदर देखिए ना, सारी डिस्को ड्रेसें पड़ी हैं। तो ये खादी साहब भी आ गया, अब हम कहाँ जा रहे हैं? वाओ ये देखो, ये मैंने यहाँ से व्यू लिया और बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था डोलमिन मॉल का। ये देखें ये बंदा यहाँ खड़ा है, और ये प्ले एरिया में आ गया, और ये डायनासोर के मुंह में बाल मार रहा, ये देखें वो भी कैसे मुंह खोल के खड़ा है कि ये बाल मेरे पेट में जाए। ये भी एक कमाई का जरिया है, असद ने मुझे 750 करोड़ा लगाया, ये कार्ड रिचार्ज करवाया। और ये देखिए ये बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं, और असद को ये चीज़ें बहुत पसंद है, महीने में एक बार ये यहाँ जाता है, ये हर महीने की इसकी आदत है कि ये लेके जाता है हमें कि लेके जाओ, वरना ये पूरा मंथ हमें तंग करता है। तो छोटे बच्चों के नखरे हम उठाते हैं, क्या करें, एक ही बच्चा है। ये देखें मुझे कह रहा है आओ मम्मा तुम भी मेरे साथ खेलो, और मैं भी बैठ गई, मुझे तो बस बहाना चाहिए कि कोई मुझे सलाह करे, तो मैं बैठ गई और मैं भी खेल रही हूँ, मगर हमें दोनों को खेलना आ नहीं रहा था, कामा का कॉइंस हमने ज़ियान किए। और ये देखो मैं मास्क लगा के आपको दिखा रही थी कि मेरा मास्क कैसा है, बस अकल की कमी भी है मुझ में, मगर इतनी भी नहीं, मगर मैं हो जाती हूँ बस थोड़ी बहुत साइकोटाइक
और उसको मैं दिखा रही थी, सौरव जोशी बनने की नाकाम कोशिश कर रही थी मैं, मगर भाई ये देखें, ये भी समझो कॉइंस ही वेस्ट कर रहा था। ये बाल इस मशीन में इसको मिल नहीं रहे थे। और फिर हम अंदर जाएंगे और जो इसका मोस्ट फेवरेट प्ले एरिया है वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस बार इसके मोस्ट फेवरेट प्ले एरिया में जो है ना, जो यहाँ के इंचार्ज टीम है, उन्होंने मुझे कहा कि आप भी भले एंजॉय करो, बच्ची बन जाओ। खेल रहे हो ना? हाँ। मैं नीचे से होके आती हूँ, सही है? ओके, ये यहाँ खेल रहा है और मैं घूम के आती हूँ। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, असद ऊपर है। और ये जूते देखें, और इसके मैचिंग में पर्सेस पड़ी थी, ये बहुत एक्सपेंसिव थे, 12,000 के ये जूते थे खाली। और ये देखें, ये पानी का व्यू। और मैं फिर हाइपर स्टार आ गई, ग्रोसरी के जो सामान होते हैं वहाँ पे थोड़ी मैंने रिकॉर्डिंग की। ये लोग कह रहे थे यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मना है, मगर मैंने कहा आपकी पब्लिसिटी होगी, मुझे क्या है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं अलाउ करते कि कोई हमारी आके शॉप्स की वीडियो बनाए, बड़ी बात है। ये देखें यहाँ पे, ये सारे जो मेरे फेवरेट जो एरिया ये होता है फेस वाशेस का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। तो मैं ये देख रही थी कि जो मैं चीज़ लेना चाहती हूँ कि वो मुझे मिल जाए, मगर मुझे वो चीज़ मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि जो मैं पॉन्ड्स का ये जो मैंने फेस वाश लिया तो इसने मेरा मुंह का सत्यानाश कर दिया। ये वालेकुम सलाम मैम, ये बटरफ्लाई की शॉर्ट ड्रेस सैंपलिंग है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं ऊपर असद के पास आ गई जहाँ वो खेल रहा था, और मैं गुस्से में थी बहुत, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ अपनी पसंद की नहीं लेती तो मुझे गुस्सा आता है, क्या करूँ मैं। अभी हम फ्लाइट खाने जा रहे हैं, मम्मा अंदर आ चुकी है अभी। चलो थ्री, ओह माय गॉड, ये व्यूअर्स, अभी हम स्लाइड खा रहे हैं असद के साथ। क्या चाहनी ये स्लाइड? और हम ये देखो, ये छोटा जैसे कर रहा है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर चढ़ 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 चढ़। ये क्या है? दूसरी चीज दिखाओ, इधर आओ। ऊपर से है भूल भुलैया। ये क्या है?
अभी मैं थक के बैठ गई हूँ, सब बहुत खेला है। और मैं भी प्ले एरिया में अंदर आ गई हूँ 15 मिनट के लिए। इन लोगों ने मुझे कहा आ जाए अंदर, ये सारे बच्चों का प्ले एरिया है और बहुत मज़ा है बच्चा का। तो अभी मैं देखती हूँ और क्या क्या है, बहुत मज़ा है यहाँ पे बच्चा बनने में बहुत मज़ा है। उम्मीद है आपको ये डॉल्फिन का मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। इससे नीचे का रास्ता मुझे नहीं मिल रहा, ये सारा भूल भुलैया है। यहाँ से जाती हूँ, ये क्या है, फिर से स्लाइड। ये देखिए कितना मजा है, वाओ। अब फिर से स्लाइड खाएं। मम्मा स्लाइड ये सामने समंदर है, ये देख सकते हैं। स्लाइड यूं खाते हैं। अब ऐसा स्लाइड खाएगा यूं करके। वाओ। मैंने स्लाइड खाई, बहुत मजा आया, डर भी लग रहा था। अभी हम बाहर जा रहे हैं। फाइनली असद ये फनलैंड से बाहर आ गया। और ये देखें, ये टॉफी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मैंने शॉपकीपर से पूछा कि इसकी प्राइस, उसने कहा 300। तो मैं लूँगी फिर कभी। तो ये असद ने बबल गम लिया, अनोखे किस्म का। तो ये एक कह रहा था मुझे ये लेना है, तो मैंने इसको लेके दिया। और ये देखें, ये सारे लॉलीपॉप हैं और इनकी प्राइस हैं 600। और वो जो पीछे है ना, वो लॉलीपॉप लगे हुए, उनकी प्राइस थी 700। बहुत अच्छे वो हैं और क्वालिटी वाइज के ये लॉलीपॉप होते हैं और छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं जब आप उनको गिफ्ट्स देते हो। वॉइस ओवर इसीलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत शोर था बहुत, और ब्लॉग आपको देखने में मज़ा नहीं देता, इसीलिए मुझे ये वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि मैं माइक लेके नहीं गई थी। असद जो है कह रहा था कि मम्मा मुझे और घूमना है, मैंने कहा नहीं बेटा मैं थक गई हूँ। तो इसने कहा मम्मा आप ये बबल गम खा लो, आपको एनर्जी आ जाएगी। तो मैंने कहा बबल गम खाने से एनर्जी नहीं आती है। तो इसने कहा नहीं मम्मा खाओ, आपको एनर्जी आ जाएगी। तो ये मैं खा रही थी बबल गम, और ये पीछे मेरे ग्रीन टी थी। तो मैंने असद को कहा पियोगे ग्रीन टी, कहा नहीं। और फिर हम जा रहे थे, मैंने कहा चलो भाई बहुत थक गए हैं घूम घूम के, इतना बड़ा डॉल्फिन मॉल है कि टांगे ही थक जाती हैं। ये देखें, ये लोग आ रहे थे जा रहे थे, मैं बस अपने बेटे को बाजू से पकड़ के ऐसे ले जा रही थी क्योंकि बचपन से ही मैं इसको ऐसे ही पकड़ के ले जाती हूँ बाजू से। तो ये अब बड़ा हो गया है, कहता है नहीं मम्मा मेरी बाजू छोड़ो, मगर मेरी आदत है इसको ऐसे पकड़ने की बाजू से, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो ये देखें, ये दुपट्टे मेरे को पता नहीं क्या, मुझसे एलर्जी थी, बार बार नखरे कर रहा था मुझसे, कभी इस तरफ से निकल रहा था दुपट्टा मेरा, कभी इस साइड से सेट नहीं हो रहा था। तो मैं आइंदा बाहर निकलूँगी तो पिन लगाऊंगी। तो जो मुझसे हाइटेड लेडीज़ थी उन्होंने तो दुपट्टा ही नहीं पहना हुआ था, तो मुझे वो अजीब वो गरीब नज़रों से देख रही थी कि ये छोटी औरत ये दुपट्टा पहने हुई है। तो उनको क्या बताऊँ मैं कि मुझे ये जो है ना मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने, और मेरे जो खून में गैरत नाम की चीज़ है ये मुझे अलो नहीं दे रही कि मैं विदाउट दुपट्टे के ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि मैं खुद को अनसिक्योर फील करती हूँ। दुपट्टा एक लेडीज़ की शान है, पता नहीं कैसी लड़कियाँ हैं जो पेंट शर्ट पहन के चड्ढे वड्ढे पहन के ऐसे शॉपिंग मॉल्स में घूमती हैं। तो ये है कि हम जैसे भी हैं बस आपके हैं।
और काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बर्गर नहीं हो रही, शॉपिंग मॉल में आती है तभी ये वो पैंट शर्ट जीन्स नहीं। फिर मैंने हाथी देखा, कितना खूबसूरत हाथी था, और इसको देख के मुझे हाथी मेरा साथी फिल्म याद आ गई। और ये है वो मोबाइलों की शॉप, फ्लिप मोबाइलों की, और ये पता नहीं क्या था, मेकअप का कोई सामान था। असद से पूछा कि बेटा ये क्या है, असद ने कहा मुझे नहीं पता ये क्या है, ये लड़कियों की चीज़ें। फाइनली मैंने असद को खिलाया पिलाया भी, मगर वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये देखें फ्लिप वाला मोबाइल, और इसकी प्राइस देखें 6 लाख। अच्छी है ना, ये सारी फ्लिप वाली है, ये मेकअप वाली है। देखो ये वाली देखो, मैं देख सकता हूँ उसको। हाँ ये डोंट टच इट, ये 5 लाख, ये सारी फ्लिप वाली है। अरे ऐसे सस्ता कौन, आ जाओ सर लाइन पे चले, अब हम आगे लेम लाइट। देखे फिर से पुतला आ गया, हमारी जिंदगी में पुतले बहुत हैं, एक पुतला सिकंदर, हमें बहुत पड़ते ये महंगे कपड़े हैं सारे जो बाजियाँ पहनती हैं, हम ऐसे कपड़े ख्वाबों में पहन सकते हैं। पर्स बहुत अच्छा है, मैं ऐसा लूँगी। इसकी प्राइस क्या है? बहुत महंगा है। ये देखो ये छोटा वाला देखो, आ जाओ, ये मोबाइल है यहाँ पे एलिंग। फिर मैं आगे बढ़ती रही तो ये देखा हर वालों का यहाँ पे शॉप लगा था, ये कंपनी है और इसको लॉन्च हुए 1 ईयर हो गया है। और ये इनका मिरर देखें, लव योर सेल्फ फर्स्ट, बहुत अच्छा लगा ये जुमला मुझे। भालू ये देखें, ये भालू, ये भालू, ये ऐसा जैसा भालू, ये मैं ये देखता हूँ काफ़ी क्या है। और ये क्या है, पानी की बोतल्स। ओ ये रही मैं, यार मैं नज़र क्यों नहीं आ रही, इतनी खूबसूरत औरत हूँ। इसने मुझे बबल गम खिला खिला के बस, और मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बबल? शॉप में शीशे, आईने, मिरर, ये कार्टून है, ये कितना खूबसूरत है डॉल। इसे लहंगा भी कितना डॉल है, ये पानी की बोतल है। यूएस ये भालू है, ये मैं, ये सिकंदर, ये असद। यहाँ पे ये ब्यूटी पार्लर है, ये रहा स्टाइलो, इस पर हम इन होते हैं। ये क्या है, ये मुझे बहुत पसंद आया, मुझे कुर्ता में जाओ के लिए बेस्ट यही लगेगा। ले ये मैं लूंगी 3500 का। आउटफिट आज पे चलते हैं, ये महंगा, इधर आओ। स्टाइल कितना खूबसूरत है, और ये क्या है, वाह, इधर चले, यहाँ पे चलते हैं। इसका रास्ता कहाँ से, इधर से, इसका व्यूअर्स रास्ता इधर से देखते हैं। बगल खाली सेल 50%, ये सारा छोटी बच्चियों का है। अभी सिकंदर ने फोन की, वो हमें लेने आ रहा है, चले यार, वो शॉप नहीं मिल रही मुझे। छोटी छोटी कपड़े मिलती है कहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो? ये देखो ये सब लो तो, हम्म,
ये रही मैं, शॉप पे आई हूँ और बहुत नज़ारा है। अब मैं घर जा रही हूँ। ये असद रहा, चलो अब घर चलते हैं। ये आप बेचते हो? स्टिकर मैग्नेट है, फ्रिज मैग्नेट है। अच्छा, एकड़ो घणी आ? एकड़ो 400 रुपए जो आ। तो बलाइडो मांगो? मांगा नहीं उन बाकी छा 400 रुपए केडी वडी गाला। असा सिंधी खबर है ना, ते सवा का मथे गा छे। सिंधी असा सिंधी में लसी पाक आयो आ हितो महंगो। फाइनली असर के अच्छा, ई तां दा सेलर कस्टमर कस्टमर है ना? कस्टमर को सिंधी में गल आए ना, तू शो ना तो अच्छी सजी दुनिया दिसन दे। अब देखारे भले ता वीडियो करे को मसला कोनी को। हां ये सागे तो सिंधी भी मिली यो पांजो भाव। मम अगले ही तुम के बतायो तो 400 जो आ। भी 400 रुपए जो आ, एडो मांगो। अरे रख ये हम बुनेन दा सटंगी पे आए। वाओ असद, अब हम ढूंढते हैं वो रहा। तो अभी हम घर जा रहे हैं। ये सड़ियल मुझे मुल्क अचे हो कोई।